प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस है कि। हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। गाइस, प्रीव्यू में भी वीडियो आपने देखा तो दोस्तों इस तरह के वीडियो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है अभी, मतलब यहाँ रील्स है गाइस, यहाँ पे कुछ भी चलने लगता है, तो ये भी अभी ट्रेंड में है। आप लोग इस पर वीडियो बना सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए मैं फुल एडिटिंग बताता हूँ, थोड़ा सा मेहनत आप भी कर लेना। और मटेरियल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। काइनमास्टर एप्लीकेशन आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ प्लस के आइकन पर टैप कर लीजिएगा, देन 9x16 रेशियो सेलेक्ट करके क्रिएट वाले ऑप्शन पर टैप कर दीजिएगा। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे इमेज एक्सेस में जाइएगा, ब्लैक वाला इमेज सेलेक्ट कीजिएगा, देन इसका ड्यूरेशन को आप बढ़ा लीजिएगा, जितना टाइम का आप स्टेटस बनाना चाहते हो उतना टाइम कर लीजिएगा, मैं रहने देता हूँ। फिर स्टार्टिंग में आ जाएंगे, लेयर पर क्लिक करेंगे, ये जो हैंड राइटिंग वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ से इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आप रखना चाहे रख लीजिए। तो मैं एक फर्स्ट पिंक कलर रख लेता हूँ, देन राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो ये पॉइंटर है तो इस पर क्लिक करके इसका लास्ट वाला आप ले लीजिएगा। लेने के बाद गाइस स्क्रीन पे इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये लास्ट वाला, सॉरी गाइस, एक और चीज़ यहाँ पे आपको ब्रश का टूल भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ये वाला सेकंड वाला सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। थोड़ा फॉग टाइप का आएगा तो इस तरह से आप ले लीजिएगा। फिर यहाँ से बैक आइए, बैक आने के बाद गाइस इसे ना जूम कर लीजिएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। जूम करने के बाद इसे एक साइड में रख लीजिएगा, अब जैसे भी रखना चाहे तो रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह से रहने देता हूँ, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे रहने देता हूँ। देन इसके ड्यूरेशन को आपको पूरा लास्ट तक कर देना, जितना टाइम का आप स्टेटस बना रहे हो उतना टाइम कर लीजिए। फिर स्टार्टिंग में आ जाइए, लेयर पर क्लिक कीजिएगा, हैंड राइटिंग पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे इसका कलर फिर से चेंज कर दीजिएगा, जो भी कलर आप रखना चाहे वो कलर को रखकर और राइट क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पर भी सेम आपको हैंड राइटिंग यहाँ पर कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से बैक आने, बैक आने के बाद इसका भी यहाँ पे इस तरह से जूम करके एडजस्ट कर लीजिएगा, जितना पे भी रखना चाहे उतना पे आप रख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे रहने देता हूँ कुछ इस तरह से। फिर इसके भी ड्यूरेशन को पूरा लास्ट तक कर देंगे, जितना टाइम का आप स्टेटस बना रहे हो उतना टाइम इसे कर लीजिएगा। देन करने के बाद स्टार्टिंग में आ जाइएगा, यहाँ लेयर पर क्लिक कीजिएगा, मीडियम जाइएगा। मीडियम जाने के बाद गाइस जो भी फोटो पर एडिटिंग करना चाहते हो उस फोटो को सिंपली आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मेरे पास कुछ मॉडल इमेज है जिसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं किया हुआ है, तो मैं उसे ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड रिमूव हम काइनमास्टर से भी कर लेते हैं। अगर आपके पास बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ फोटो होगा तो काफ़ी अच्छा है। तो गाइस मैं यहाँ से देख लेता हूँ कौन सा फोटो परफेक्ट रहेगा यहाँ पे। तो गाइस ये भी सही लग रहा है तो मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, देन सबसे नीचे आइएगा तो क्रोमा की, सॉरी इमेजिक रिमूवर का ऑप्शन आएगा, इस पर टैप कर दीजिएगा। देन जैसे ही आप यहाँ पे टैप करेंगे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और बैकग्राउंड जो आपका रिमूव हो जाएगा। अब इसके बाद इसे जूम कर लीजिएगा, जूम करने के बाद आप जहाँ पर भी सेट करना चाहे इस तरह से सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे रख लेता हूँ जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देन इसके भी ड्यूरेशन को हम पूरा लास्ट तक कर देंगे, जितना टाइम का स्टेटस बना रहे उतना टाइम पूरा लास्ट तक कर लीजिएगा। फिर स्टार्टिंग में आकर स्क्रीन पर टैप कीजिएगा, देन लेयर पे क्लिक करके मीडियम जाएगा। मीडियम जाने के बाद डाउनलोड में जाएगा, यहाँ पे मैंने एक PNG आपको प्रोवाइड किया, इस PNG को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद गाइस इससे आप इस साइड में यहाँ पे कॉर्नर पे रखिएगा अच्छी तरह से, और फिर जूम कर लीजिएगा पूरा लास्ट तक यहाँ पे इस तरह से जूम करके और सेट कर लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से इसे सेट कर दिया हूँ, इसके ड्यूरेशन को लास्ट तक कर लीजिए। तो गाइस मेरा तो 10 सेकंड तक है, आपका ज़्यादा रहेगा तो और भी दूरी तक ले जाना होगा। अब यहाँ स्टार्टिंग में आ जाइएगा, डिलीट बटन के ऊपर एक की दिख रहा होगा तो इस पर आपको टैप करना होगा। देन जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक की लग जाएगा। अब इसके बाद लास्ट में जाकर फिर से आपको इस की पे टच कर देना होगा, यहाँ पे टच कर देना होगा। और टच करने के बाद इसे स्क्रॉल कर लीजिए कुछ इस तरह से, पूरा लास्ट तक कर दीजिएगा और यहाँ पे इतना पे रख लीजिएगा जितना पे आपको सही लगे, क्योंकि आगे तक जा रहा है तो इतना पे भी हम रख सकते हैं, तो जितना पे भी आपको सही लगे उतना तक रख लीजिएगा। तो अब यहाँ से जब आप प्ले करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा है। जो देख सकते हैं बैकग्राउंड में कलर यहाँ पे है और ऊपर में इस तरह का इफेक्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब स्टार्टिंग में आ जाइएगा, देन यहाँ लेयर पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा। उसके मीडियम जाने के बाद एक सॉन्ग की जरूरत होगी, तो जो भी सॉन्ग पे स्टेटस बनाना चाहते हो सॉन्ग को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मेरे पास आप यहाँ पे देख सकते काफ़ी सारे सॉन्ग हैं, जो भी सॉन्ग आप लेना चाहते तो सॉन्ग आप ले सकते हैं। मैं यहाँ से कोई सा भी सॉन्ग देख लेता हूँ, जो अच्छा होगा उसे ले लूँगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं ए वाले सॉन्ग को ले लेता हूँ, मेरे सामने वाली खिड़की पे सॉन्ग है, सॉन्ग का जो बोल है वो है मेरे सामने वाली खिड़की पे। तो गाइस यहाँ पे जो हमारे टेक्स्ट का कलर है वो बैकग्राउंड उसे मैच कर जाएगा तो शायद सही से नहीं आएगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे,
फिल्टर पे जाएंगे और यहाँ पे बेसिक पे क्लिक कर लेंगे। बेसिक पे क्लिक करने और 005 सो गाइस यहाँ पे 005 आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आपका जो बैकग्राउंड जो मतलब ब्लैक बैकग्राउंड लाइटिंग्स होगा तो वो व्हाइट बैकग्राउंड हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। देन यहाँ से बैक कीजिएगा। बैक करने के बाद आपको क्या ना ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना हो। यहाँ पे जाने के बाद आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका लाइटिंग्स कुछ इस तरह से दिखने लगेगा जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देन यहाँ पे जो हमारा लाइटिंग्स है इसे आपको एडजस्ट करना है, तो लाइटिंग्स को यहाँ पे थोड़ा सा जूम वगैरह करके यहाँ पे लेकर आ जाइएगा इस जगह पे, देख सकते हैं जैसे मैंने रख लिया। रखने के बाद गए जब आपको करना 3 डॉट पे क्लिक करके और सेंड बैकवर्ड करना होगा, तो एक बार में ये जो PNG था उसके अंदर चला जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं। देन एक बार और कीजिएगा 3 डॉट पे क्लिक करके सेंड बैकवर्ड कीजिएगा, तो जो मॉडल PNG हम रखे हैं उसके अंदर चला जाएगा। अब एक और चीज़ यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो हम कलर लिए थे कलर को इस तरह से आप यहाँ पर एडजस्ट कीजिएगा इस तरह से, ताकि हमारा लाइटिंग्स अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे। तो यहाँ पे इस तरह से इसे हम रख लेते हैं और नीचे वाले को भी थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं ऐसे, ताकि जो लाइटिंग्स हमारा वो अच्छे से दिखाई दे। और यहाँ पे जो PNG ये वाला, तो इसे भी थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। तो इसके लिए यहाँ पे हैंड राइटिंग पे मतलब की पे क्लिक करना होगा और थोड़ा सा जूम करके इसे सीधा करके रखना है और यहाँ पे इस तरह से सेट कर देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तो स्क्रॉल हो गया गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, यहाँ पे की लगाएंगे और फिर इस साइड में स्क्रॉल कर लेंगे जूम करके थोड़ा सा ऊपर के साइड में, ताकि अच्छे से दिखे और परफेक्ट है। अभी प्ले करेंगे कुछ इस तरह से आएगा, परफेक्ट। यहाँ पे हमारा लाइटिंग्स तक का काम तो कंप्लीट हो गया। अभी स्टार्टिंग में ये लेयर पे क्लिक कीजिएगा, मीडियम जाएगा, देन मीडियम जाने का डाउनलोड में जाइएगा। यहाँ पे गई आपको 2 पार्टिकल वीडियो मैंने प्रोवाइड किया, तो फर्स्ट यहाँ पे व्हाइट पार्टिकल वीडियो सेलेक्ट कीजिए, नीचे जाइएगा स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करके फुल स्क्रीन कीजिएगा। देन यहाँ से बैक कर लीजिएगा, बैक करने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन टैप कर लीजिएगा, देन स्क्रीन कीजिएगा। स्क्रीन करने के बाद यहाँ से बैक आ जाइएगा, बैक करने के बाद स्क्रीन पर टैप कीजिएगा, लेयर पर क्लिक करके मीडियम जाइएगा, देन मीडियम जाने का डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे ये वाला वीडियो आप सेकेंड पार्टिकल वीडियो जो मैंने प्रोवाइड किया उसे सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे भी आपको सेम काम करना है, यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन क्लिक करके फुल स्क्रीन करना है। यहाँ पे नीचे में थोड़ा सा वाटरमार्क आता है, तो आपको क्या करना होगा, स्प्लिट स्क्रीन नहीं करना होगा, ऑफ करते हैं इसे। करने के बाद यहाँ पे यहाँ सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा जूम कर देंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जूम कर देंगे यहाँ पे, परफेक्ट। इस तरह से जूम कीजिएगा कि जो नीचे में वाटरमार्क था वो नया है, ये जो यूट्यूब चैनल से डाउनलोड किया गया है उस चैनल का वाटरमार्क है यहाँ पे। तो ये पार्टिकल वीडियो पे मेरा ऑथराइज नहीं है, ये किसी और का ही होगा। तो जिसका भी हो अगर आप वीडियो आप देख रहे हैं तो है सॉरी, आपको अगर कोई प्रॉब्लम तो आप बता दीजिए, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। तो हो गई, जिस तरह से आप इसे यूज कर लीजिएगा। देन यहाँ पे प्ले करके आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे ये जो वीडियो है इसमें भी वाटरमार्क लगा हुआ है, तो सॉन्ग लगा हुआ है, तो सॉन्ग को यहाँ से म्यूट कीजिएगा। फिर सेकंड वाले पार्टिकल वीडियो को भी यहाँ पे सॉन्ग को म्यूट कर दीजिएगा। अब ये स्टार्टिंग में अगर लेयर पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा, देन मीडियम जाने का डाउनलोड में जाइएगा। यहाँ पे आपको एक बॉर्डर वीडियो PNG मिलेगा, उसे ले लीजिएगा। सॉरी गाइस, बार बार यहाँ पे कॉल आ जा रहा है, सॉरी थोड़ा जरूरी था इसलिए अभी कॉल आ रहा था, तो अब नहीं आएगा। गाइस यहाँ लेयर पे क्लिक कीजिए, लास्ट मोमेंट बचा हुआ है, तो मीडियम चलेंगे और डाउनलोड में जाकर एक PNG मैंने बॉर्डर का PO प्रोवाइड किया आपको, उसे ले लीजिएगा। स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लीजिएगा और देन यहाँ पे इसके ड्यूरेशन को भी आप लास्ट तक कर लीजिएगा। जैसे ही इसे लास्ट तक कर लेंगे तो आपका एडिटिंग होगा फिनिश। आप इसे प्ले करके देख सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव वीडियो है गाइस, इस तरह की वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। मैंने यहाँ पे मॉडल का यूज़ किया, आप राधा कृष्ण का इमेज यूज़ करके वीडियो अपलोड कीजिए, कंटिन्यू 8-10 सॉन्ग पे यूज़ कीजिए, आप देख लीजिए उसमें से एक वीडियो आपकी 100% वायरल हो जाएगी। मैं आपको रील्स के लिए ही आप लोग ज़्यादातर वीडियो बनाते हैं, तो इसके टॉपिक पे ही लेकर आता हूँ। और मैं आपको सजेशन यही करूँगा कि कोई भी टॉपिक पे एक वीडियो मत बनाइए, उस पर 10-15 वीडियो बनाइए, अलग अलग सॉन्ग अलग अलग मॉडल के साथ में, तभी आपकी वीडियो ट्रेंड करेगी। और कोई भी एक अच्छा सा टॉपिक पर कर लीजिए, तो उस पर कंटिन्यू वीडियो अपलोड कीजिए, आपकी वीडियो 100% वायरल होगी और आपका जो आइडिया होगा अच्छा खासा रीच करेगा। तो गाइस वीडियो कंप्लीट हो चुका है, इस वीडियो को सेव करेंगे, ऊपर वाले ऐड पर क्लिक करके यहाँ पे सेव एज वीडियो पर क्लिक कर देंगे, वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। सो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। इस तरह का और भी एडिटिंग करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।